हाय गाइस, मैं आपका अपना नक्षत्र बट एन ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग कुछ नया ट्राई करने आए, तो गाइस अभी चलते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुराना मशहूर दाल पकवान वाले के पास। ये जयपुर में काफ़ी फेमस दाल पकवान है इनके। तो गाइस, अभी आप लोगों को दिखाते हैं ये, तो आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। तो आपकी शुभ की टाइमिंग भी बता दीजिए। 8:30 बजे। अच्छा, 8:30 बजे से कितने बजे तक? एक डेढ़ के करीब। अच्छा, और आपकी लोकेशन भी बता दी यहाँ की। लोकेशन यहाँ की मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सर, आप बता दीजिए ये दाल काई की बनती है? मूंग और चने की। और इसके अंदर क्या क्या डालते हो आप? इसमें बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च, जायफल सब डाल, लाल मिर्च, उबली हुई हरी मिर्च, प्याज। तो दुकान आपके कितने साल से है? बरसों से। आबादी क्षेत्र नहीं था तब से। अच्छा। शहर में भी है दुकान बाबा ने चल मारे। तो गाइस, जैसा कि सर बता रहे हैं कि इनकी शहर पे भी दुकान है बाबा रिचर्ड मार्ग के नाम से, अपने नारगढ़ रोड में इनकी दुकान है। इनके बड़े बेटे जो वहाँ पे वो शॉप के ओनर है वहाँ के, और सर यहाँ पे संभालते हैं। और आपकी प्राइस भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। वही 50 रुपये प्लेट है। दो पकवान होगा 50 रुपये प्लेट। तो गाइस, जैसा कि सर बता रहे हैं कि प्लेट की प्राइस है 50 रुपये, उसके दो पकवान आते हैं, दो दाल की कटोरी आती है। तो गाइस, हमारी प्लेट लग चुकी है और आप लोगों को खाकर बताते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। तो गाइस, अभी हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कैसे हैं। तो गाइस, इनके पकवान काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी क्रंची टाइप बने हुए हैं और दाल काफ़ी स्पाइसी है। अगर आप लोग स्पाइसी लवर हो तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ के दाल पकवान ज़रूर ट्राई करें। जब मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे कि एक बार वहाँ के दाल पकवान आप ट्राई करो और हम लोगों को उसका रिव्यू दो, तो गाइस मैंने सोचा दाल पकवान के नाम से कि पकवान में काफ़ी ऑयल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ज़्यादा ऑयल खाता नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऑयल भी काफ़ी कम से कम मात्रा में है। तो गाइस, आप लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकते हो और ये आगे खा भी सकते हो। तो गाइस, अभी हम लोगों ने दाल पकवान टेस्ट कर लिया। दाल पकवान काफ़ी अच्छे लगे खाने में। तो अंकल का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, तो अंकल के दाल पकवान भी काफ़ी अच्छे, और आप लोग यहाँ आके विजिट कर सकते हो और इनके दाल पकवान ट्राई कर सकते हो। तो अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आई होप गाइस, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरी YouTube फैमिली पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।